एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसमें टू प्रॉब्लम्स दी गई हैं। फर्स्ट है 7/4 एंड सेकंड है -5/6। इन दोनों रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मैंने एक नंबर लाइन बनाई है। अब ये देखना है कि ये जो डिजिट दिया है, पहले फर्स्ट नंबर करते हैं, ये प्लस है या माइनस है। यदि प्लस है तो ये जीरो के इस साइड बनेगी, मींस राइट हैंड साइड बनेगी, और यदि माइनस है तो जीरो के इस साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये प्लस है, प्लस मींस ये क्लियर हो गया कि जीरो के राइट में बनने वाली है ये। अब इसमें ये देखते हैं रेशनल नंबर क्या है, इधर करके देखते हैं एक बार, 7/4। अब इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इनको देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये क्या है, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर क्या है 4 है। तो 7 इज ग्रेटर देन 4 मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका अर्थ ये हुआ कि हम या तो इसका इसमें डिवाइड करें या ये बन के ऊपर जाने वाली है, तो पहले डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें। तो इधर डिवाइड कर लेते हैं, 7/4, तो 7 बन जा 4 3 आया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, इसको पहले इधर लिखेंगे और ये जो 3 है 3 को ऊपर और 4 को नीचे, ऐसा ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो ये नंबर लाइन कहाँ बनेगी, 1 और 2 के बीच में बनेगी। या ये देख लें कि ये 1 आया है, इसके बाद पॉइंट आया, मींस 1 के बीच में यहीं बनने वाली है। तो इसको दो तरीके से करेंगे, दोनों तरीके मैं बता देता हूँ, जो आपको सिंपल लगे उससे आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि इस 1 मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, 3/4, तो 1 तो 1 तो इधर ले लेते हैं पहले, कि 1 के पहले तो बनना नहीं है, अब बनना है 1 और 2 के बीच में। अब क्या करना है, नीचे क्या दिया है, इसमें 4 है, तो इसके हम 4 पार्ट्स करते हैं, 1 2 3 4। तो एक ये बन गया 1, ए सेकेंड, ए थर्ड, ए फोर, ए 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखें यदि हम 4/4, मींस मल्टीपल कर दें इसमें 4 का और नीचे भी 4 का। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो नीचे डिनोमिनेटर क्या 4 आएगा, तो इसमें क्या 4/4 यानी ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, 5/4, ए 6/4, ए 7/4, और इधर क्या बोला जाएगा, इधर भी 4/4 करेंगे तो 8/4 हो जाएगा। ये 8/4 मींस ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/4। ठीक, तो क्या आया, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अब हमें चाहिए क्या था, 7/4, तो 7/4 ये है। ये जो पॉइंट हुआ, ये हुआ हमारा 7/4। ये नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये 7/4 आया। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड देखें, मैंने एक नंबर लाइन बनाई हुई है, अब हमें चाहिए क्या है, 7/4। अब हमने ये तो देख ही लिया 7/4 है, डिवाइड करके तो इसमें भी देखना है कि ये 1 और 2 के बीच में बनना है। तो 4 नीचे है तो हम सभी का 4 पार्ट्स, 1 और 2 के बीच में सभी में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। इधर भी 1 2 3, ये भी 4 पार्ट्स हो गए। अब हम इधर से शुरू करते हैं, तो इधर से क्या लिखा जाएगा इसको, 1/4, 2/4, 3/4, इसको क्या लिखा जाएगा, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, और इसको लिखा जाएगा 8/4। मींस जो मैंने नंबर लाइन बनाई उसके सभी सेगमेंट्स को 4/4 में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में,
अब चाहिए क्या था हमें, 7/4, ए है 7/4, तो ए 7/4 हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, ये नंबर लाइन आ गई। दोनों लगभग सेम ही हैं, तरीका थोड़ा सा अलग है, जो सिंपल लगे उसको कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। एंड सेकंड क्या है, -5/6। पहले देखेंगे साइन क्या है, साइन माइनस है, मींस इस साइड बनने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में बनने वाला है। अब देखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो कौन छोटा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये यदि है तो इसका अर्थ क्या हुआ, 0, 0 से 1 के बीच में, ये यदि ऐसा है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो 0 से 1 के बीच में ही नंबर लाइन बनेगी, इसमें डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, बनना है लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि माइनस का है, तो ये 1 है, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, ये 6 है, मींस हमें 1 के 6 पार्ट्स चाहिए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पार्ट हो गए हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6, 6/6 मीन्स ये 1 हो गया, -1, ये -2। अब ये सब क्या है, माइनस है, तो ये माइनस लगेगा सब में, माइनस। इस तरफ क्या है, ये 1 और 2, ये प्लस के हैं, हमें चाहिए है -5/6, कहाँ है इसमें -5/6, ए है -5/6, ए हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसको चाहें तो थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। ये मेथड क्या है, ये दोनों ही सेम मेथड हैं, इनको इस प्रकार से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें किसी भी नंबर को या किसी भी नंबर लाइन की सेगमेंट को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है जितना डिनोमिनेटर दिया गया है। इसमें 4 डिनोमिनेटर था तो हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें 6 डिनोमिनेटर है तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे।